कहाँ रह गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे ये दोनों मूर्ख। क्या करें, जिनके शिष्य ऐसे हों उस गुरु को मरणोपरांत शांति नहीं मिलती, परछाई तक दिखाई नहीं दे रही इन दोनों मूर्खों की। कब से मिलन का समय हो गया है और वहां सौदामिनी प्रतीक्षा की अगन में झुलस रही होगी। सौदामिनी आपकी इस समय प्रतीक्षा क्यों कर रही होगी स्वामी? अर्थात आप प्रतिदिन उनसे इसी समय भेंट करने जाते हैं क्या? सौदामिनी, हमने सौदामिनी कब कहा वरुण वाला? नहीं नहीं स्वामी, आपने सौदामिनी ही कहा, हमने अपने कानों से सुना। अपने कानों से? हाँ तो ठीक तो है, सब अपने कानों से ही तो सुनते हैं, नाक से कौन सुनता है। परंतु स्वामी हम तो ये कहना चाह रहे थे कि... परंतु कुछ नहीं वरुण वाला, हम तुम्हें समझाते हैं। देखो ऐसा है, अभी कुछ समय पूर्व हम भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा का नाम ले रहे थे, वही तुमने सुना होगा। परंतु स्वामी आप तो स्वयं भगवान से भेंट करते हैं, सुदामा तो मात्र एक भक्त थे। हाँ हाँ, तो वो भक्तों को भी आपस में मिलना पड़ता है ना, वो प्रभु के विषय में चर्चा करने के लिए। अच्छा स्वामी, तो चर्चा के अलावा आप लोग और क्या क्या करते हैं? और थोड़ा नाचते हैं, थोड़ा गाते हैं, थोड़ा नाच, थोड़ा गाना। हाँ वो नाचना गाना, वो भक्ति रस में डूब कर भजन कीर्तन गा कर नाच कर प्रभु का हृदय जीता जाता है ना, है ना? जी स्वामी, धन्य है आप, धन्य है, शत शत नमन आपको स्वामी। उचित है, अब जाइए आवास के कोने कोने में हमारी जय जयकार कीजिए, जाइए। जो आज्ञा प्रभु। जय जय हो स्वामी की। जय जय हो प्रभु की। जय हो स्वामी की। सुदामा जी का नाम लेकर बच गए, धन्यवाद सुदामा जी। परंतु ये नालायक कहां रह गए दोनों? आ गए गुरुजी, आ गए आपके नालायक शिष्य, आ गए। आओ आओ मूर्खो, एक कील ठुकवाने में इतना समय लगा दिया, लाओ खड़ाओ लाओ। गुरुजी आज जो हम आपके खड़ाओ में कील ठुकवा के लाए ना, ये मत समझिएगा कि इनमें सिर्फ कील ठुकवा के लाए हैं, सिर्फ इनकी मरम्मत करवाई है। गुरुजी हमने मृत खड़ाओ को पुनर्जीवित किया है, आज तो आपको धनी मनी की बुद्धिमानी का लोहा मानना ही पड़ेगा। एक बात बताओ, बड़ी विचित्र बात है, केवल तुम ही बकबक कर रहे हो, ये मनी बकबक क्यों नहीं कर रहा है? गुरुजी आज मनी मनी नहीं, मणिचार्य को अपनी महानता का अनुभव हुआ है, इसलिए इसने मौन व्रत धारण किया है। अच्छा उपहास है। लाओ लाओ खड़ाओ लाओ। गुरुजी आज के बाद आप जब भी ये खड़ाओ पहनिएगा ना, तो ये मत सोचिएगा कि ये खड़ाओ कील जड़ेता है, ये सोचिएगा कि ये खड़ाओ आपके प्रिय शिष्य धनी मणि की हृदय जड़ेता है। इसकी तो महानता जो है अरे मार डाला मूर्खो, मार डालेंगे हम तुम्हें। क्या गुरुजी आप अपने प्रिय शिष्यों को अपने बच्चों की भांति प्रेम नहीं कर सकते तो क्या हुआ, उन्हें उनके अच्छे कार्यों के लिए श्रेय तो दे सकते हैं ना? जो घाव तुमने हमें दिए है ना, तुम्हें सबक सिखाने के बाद भी हम भूल नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं मनी, हम जैसे महान ज्ञानी ध्यानी लोगों को अपने जीवन की आरंभ में तो ऐसे मार धुतकार और अपयश सहना ही पड़ता है, किंतु एक दिन हमारे गुरुजी को हमारा असली मूल्य पता चलेगा, जैसे आज आज बाजार में उस परदेशी को पता चला था। परदेशी? कौन परदेशी? गुरुजी हमें क्या पता कौन था वो परदेशी। हाँ किंतु उसे दो माँ वाले एक व्यक्ति की खोज थी। है? दो माँ वाले व्यक्ति की खोज थी? एक व्यक्ति की दो माँ कैसे हो सकती?
हमें कैसे पता है गुरुजी, आप शादीशुदा हैं, हम कुंवारे हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक माँ के दो बच्चे हो सकते हैं या दो माँ का एक बच्चा हो सकता है। बकवास बंद करो, ये बताओ किससे मिलकर आ रहे हो, कौन था, कहाँ से आया? अब गुरुजी हमें उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे ज्ञात होगा, उसे तो स्वयं के बारे में भी कुछ ज्ञात नहीं था, ये भी ज्ञात नहीं था कि वो कहाँ से आया है। क्या? हाँ गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी वो असमंजस में था, संभवतः आगरा से आया था। हाँ। आगरा? नहीं 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 गुरुजी मुझे याद आ गया, उसने कहा था कि जैसे बिल्ली का कोई स्थायी निवास नहीं होता है, वैसे उसका भी कोई स्थायी निवास है ही नहीं। ये बकवास बंद करो और ये बताओ कौन था वो। अच्छा ये तो याद होगा कि उदित कैसा था। मुझे याद आया गुरुजी, उसकी आंखों में काजल लगा हुआ था और हल्की हल्की दाढ़ी थी बिल्ली जैसी, और ये लंबी लंबी मालाएं पहने हुआ था, और पगड़ी, सर पे पगड़ी भी थी गुरुजी, और अजीब अजीब से शब्द बोल रहा था, कुछ रुफूज हुजूर, नहीं 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 हुजूर हुजूर हुजूर, हाँ फुटकुटू गुटकुटू, नहीं 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 गुफ्तगू गुफ्तगू। ये तो किसी मुगल का परिचय लग रहा है, अर्थात आगरा से ही आया होगा, आगरा अर्थात मुगल दरबार से आया होगा, परंतु आगरा के मुगल दरबार से कोई मुगल विजयनगर में क्यों आएगा, चक्कर क्या है, और ये दो माँ वाला व्यक्ति कौन है? ये गुत्थी क्या है? गुरुजी हमें तो ज्ञात था आपसे गुत्थी नहीं सुलझने वाली, किंतु धनी मनी के रहते आप चिंतित भी क्यों होते हैं गुरुजी? हमें पहली का उत्तर मिल भी गया और दिख भी रहा है। हाँ उत्तर मिल गया, जो उत्तर हमें नहीं मिले तुम्हें कैसे मिल गया, और दिखाई भी दे रहा है, उत्तर दिखाई कैसे दे सकता है? गुरुजी पूरे विजयनगर में एक ही व्यक्ति ऐसा है, पंडित रामाकृष्णा, जब कोई गुत्थी में उलझ जाए तो चुटकियों में गुत्थी से सुलझाए। वो देखिए गुरुजी, वो आप भी देख लीजिए अपने प्रश्न का उत्तर, वो देखिए पंडित रामाकृष्णा, पंडित रामाकृष्णा, पंडित, प्रणाम गुरुवर। प्रणाम छोड़ो, हाथ मत छोड़ना, अन्यथा हमारा परिणाम बहुत बुरा होगा। संभाल के, संभाल के। क्या हो गया गुरुवर, आप मेरा नाम पुकार रहे थे, कोई कार्य है मुझसे? नहीं नहीं, हमें तुमसे क्या कार्य हो सकता है, परंतु हाँ यदि चाहो तो हमारी सहायता अवश्य कर सकते हो। ये लो, अभी तो की कब गिरने से बचाकर। अच्छा बीती हुई बातों को भूल जाओ। अच्छा हम तुम्हें पुनः अवसर देना चाहते हैं। क्षमा करें गुरुवर, एक दिवस में इतने सारे अवसरों का आदि नहीं हूं मैं। हम तुमसे सहायता मांग रहे हैं और तुम हमसे छोटे होते हुए हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अरे क्षमा करें गुरुवर, क्षमा करें, मैं तो उपहास कर रहा था, क्या एक शिष्य अपने गुरु के साथ थोड़ी हंसी ठिठोली नहीं कर सकता? क्या कहा तुम्हारा इतना दुस्साहस हमें अपना शिष्य कहने का? शिष्य नहीं, गुरु गुरु गुरु, आप तो हमारे गुरुवर हैं ना, समस्त विजयनगर के गुरुवर हैं आप। अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ ये ठीक है। अच्छा बताइए क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? पंडित रामाकृष्णा, हाँ विजयनगर में दो माँ वाला व्यक्ति कौन है? मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ, मैं आपसे उपहास करता हूँ तो आप क्रोधित हो जाते हैं, अब जब आप स्वयं मेरे साथ उपहास करें तो कुछ नहीं, इसलिए चलता हूँ। पंडित रामाकृष्णा उपहास नहीं कर रहे हैं। गुरुवर यदि आप उपहास नहीं कर रहे तो जिसने आपसे ये प्रश्न पूछा है उसने आपके साथ उपहास किया है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसकी दो माए हो। हाँ महाराज कृष्णदेव राय पधार। चलिए विलंब हो रहा है। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। तो बताएं मंत्रीवर। महाराज आज की कार्रवाई में क्या सम्मिलित है? महाराज तीन भाई हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश,
अपनी एक समस्या को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होने की अनुमति चाहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति स्वयं साक्षात, वो भी विजयनगर दरबार में, वो भी अपनी अपनी समस्याएं लेकर आएंगे। वाह अद्भुत अद्भुत है? नहीं महाराज, वो हाँ वो हम कहना चाह रहे थे कि क्या संजोग है गुरुजी, अब यदि आप अब भी शांति से नहीं बैठे ना, तो जब आपको इस दरबार से निकाला जाएगा तब ये संजोग वियोग में बदल जाएगा। महाराज, उनके पिता अवश्य ही ईश्वर के अनन्य भक्त रहे होंगे, जो उन्होंने अपने पुत्रों के नाम ब्रह्मा विष्णु और महेश रखा। नहीं तो आजकल माता पिता अपने बच्चों के कैसे कैसे नाम रख देते हैं। भगवान के नाम के ऊपर उनका नाम रखने से ये पता चलता है कि उनके पिता कितने संस्कारी हैं। पंडित रामकृष्णा, सत्य कथन है आपका। हमारे पिताश्री ने भी भगवान विष्णु के एक अवतार के नाम पर हमारा नाम रखा, कृष्ण देव राय। जी महाराज, मेरे पिताजी ने तो मेरा नाम भगवान विष्णु के दो दो अवतारों पर रखा है, रामा और कृष्णा। किंतु ये मायने नहीं रखता महाराज कि हमारे नामों में भगवान का नाम कितनी बार आता है। अभी तो मायने ये रखता है कि उस नाम के अनुसार गुण और भाव उस व्यक्ति में है या नहीं। भगवान के नाम के ऊपर आपका नाम रखने से आपके पिताश्री के संस्कारी गुण और ईश्वर के प्रति उनकी अपार श्रद्धा ही झलकती है महाराज। सहमत है हम आपके कथन से पंडित रामकृष्ण, उचित कह रहे हैं। तो महामंत्री जी, महाराज आप हमें किन तीन भाइयों के विषय में कह रहे थे, क्या है उनकी समस्या? महाराज उन तीनों भाइयों की समस्या ये है कि उनके पिता के मृत्यु के पश्चात उन्हें उनकी संपत्ति का भाग करना है। अरे महामंत्री जी, ये समस्या नहीं है, ये हमारे समाज में प्रचलित प्रथा है, जिसके अनुसार गृह स्वामी की मृत्यु के पश्चात उसके धन और संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। गुरुवर, समस्या यह है कि उनके पिता की मृत्यु से पूर्व ही उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया था कि उनके कौन से पुत्र को धन संपत्ति में कितना और कौन सा हिस्सा देना है। लो, कर लो बात, फिर तो और भी कोई समस्या नहीं। जिसके लिए जो भाग पिता ने सिद्ध किया वो उसको मिलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गुरुवर, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। जी महाराज। महाराज उनके पिता ने इस प्रकार से बंटवारा किया है जो आज तक ना तो किसी ने देखा और ना ही सुना। वो तीनों भाई अपनी कुछ विशेष वस्तुओं के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होने की अनुमति चाहते हैं। अनोखा बंटवारा, अनोखी वस्तु, अद्भुत अद्भुत। व्याकुल है मंत्रीवर, तत्पर है ऐसे भाइयों से मिलने के हेतु, प्रस्तुत किया जाए उन्हें। अवश्य महाराज। कौन सी अनोखी वस्तु है? प्रणाम महाराज। प्रणाम। महामंत्री जी। महाराज, आप तो कह रहे थे ये कोई अनोखी वस्तु लेकर आने वाले हैं, इनके हाथ में तो केवल एक छोटी सी मटकी है। जी महाराज, जैसा कि आपको ज्ञात है कि इनके पिताजी ने ये तो निश्चय कर दिया था कि कौन से पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा, परंतु उन्होंने अपने इस निर्णय के विषय में किसी को अवगत नहीं कराया। इन्होंने मृत्यु के पूर्व केवल और केवल अपने पुत्रों से यह कहा कि उनके बिस्तर के नीचे जमीन में उन्होंने तीन मटके गाड़े हुए हैं और खुदाई के वक्त जिसके हिस्से में जो मटका आएगा उसके अंदर जो भी संपत्ति होगी वो उनकी। तो क्या मिला इन मटकियों में? महाराज ये तो मात्र मिट्टी है। नहीं, महाराज
इसमें तो गोबर है। ची 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 ची। और इसमें मात्र भूसा है महाराज। मिट्टी, गोबर और भूसा। मनी, ये संपत्ति नहीं, ये तो हमारे महान गुरुजी के मस्तिष्क के तीन अभिन्न अंग है। तुमने कुछ कहा? नहीं 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 गुरुजी, हम तो आपकी प्रशंसा कर रहे थे। तो अच्छी बात है, करते रहो। महाराज, हमारा ये कहना है कि इन तीनों महर्षियों के पिता श्री ने अपने संपूर्ण जीवन काल में एक ही सही कार्य किया है, और वो है इन तीनों का अर्थपूर्ण नाम रखना। इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं, अन्यथा महाराज कौन ऐसा पिता है जो इस प्रकार अपने पुत्रों में मिट्टी, गोबर और भूसा वितरित करेगा, वो भी अपनी मृत्यु के पश्चात। महाराज, हमें लगता है या तो इनके पिता ने इन्हें मूर्ख बनाया है, या फिर ये तीनों मिलकर भरे दरबार में हम सबको मूर्ख बना रहे हैं। आपको कोई कैसे मूर्ख बना सकता है गुरुवर? अब आपने कुछ कहा पंडित रामाकृष्णा? नहीं 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 गुरुवर, महाराज मेरे विचार से इनके पिता ना ही किसी को मूर्ख बना रहे हैं और ना ही वो स्वयं मूर्ख बन रहे हैं। अभी तो वो तो अत्यंत ही बुद्धिमान और दार्शनिक दृष्टिकोण वाले व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं। पंडित रामकृष्ण, हम ये तो समझ गए कि इनके स्वर्गवासी पिताश्री दार्शनिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे, परंतु हम इस विषय में आपका दृष्टिकोण जानना चाहते हैं। क्या इनकी समस्या का आपके पास कोई हल है? महाराज, हल तो बहुत सरल है। इनके पिताश्री ने अपनी सारी संपत्ति इन तीन मटकियों में बराबर बराबर बांटी है। महाराज, इनके पिता की संपत्ति के बारे में तो हमें ज्ञात नहीं, परंतु हम ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पंडित रामाकृष्णा की मानसिक संपत्ति गायब हो चुकी। तभी तो ये मिट्टी, गोबर, भूसे को संपत्ति मान रहे हैं। अन्यथा महाराज, हम सभी को ज्ञात है कि किसी मूल्यवान वस्तु को ही संपत्ति माना जाता है, जैसे स्वर्ण, चांदी, हीरे, जवाहरात, धन, जायदाद, मकान, खेत, गाय, गौशाला या कोई अत्यधिक मूल्यवान द्रव्य। गुरुवर, आपने अभी अभी जो भी उल्लेख किया वो सब तो है यहाँ। बस आप उसके पीछे का सांकेतिक अर्थ नहीं समझ पा रहे। सांकेतिक अर्थ? पंडित रामकृष्ण, तो इस सांकेतिक अर्थ को आप विस्तार में समझाएंगे? जी महाराज। महाराज, सबसे बड़े भाई को मिली मिट्टी, जिसका अर्थ है कि इनके पिताजी की संपत्ति के जितने भी खेत खलिहान हैं, उनका स्वामित्व हुआ इनका। दूसरे भाई को मिली गाय माता का गोबर, जिसका अर्थ है कि जितनी भी गायें या गौशालाएं हैं वो सब इनकी हुई। तीसरे और सबसे छोटे भाई को मिला भूसा, जिसका रंग स्वर्ण जैसा है, जिसका अर्थ है कि इनके पिताजी ने जितने भी स्वर्ण छोड़े हैं उन सब पर महेश का अधिकार हुआ। तो गुरुवर, इस प्रकार से इनके पिताजी ने अपने खेत खलिहान, गाय गौशालाएं और स्वर्ण का वितरण अपने पुत्रों में किया, और वो भी समान रूप से। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। समस्या का समाधान तो निकाल दिया आपने। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अब आप सभी खुश हैं? नहीं महाराज, हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। मुझे और विष्णु को मात्र खेत और गाय और सारी संपत्ति महेश को मिल गई। सही कह रहा है। पिताजी जब जीवित थे तभी विशेष प्रेम महेश से ही करते थे,
और आज उनके मरने के पश्चात सारी संपत्ति उसी को मिल रही है। महाराज, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, न्याय कीजिए।